वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने कक्षा 9 से 12 तक के कक्षाओं को संचालित करने के लिए बनाए गए समय सारणी की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संयुक्त शिक्षा निदेशक YN सिंह सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के कक्षों के संचालन को लेकर बनाई गई समय सारणी की समीक्षा की, जिसमें यूपी बोर्ड की परीक्षाओं तथा प्रयोगात्मक परीक्षाओं के संबंध में भी चर्चा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छात्रों के ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई के संबंध में भी चर्चा की गई। इस दौरान अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने निर्देश दिए कि नए सत्र की टाइम टेबल विषयों के आधार पर बनाए जाए, जिससे नए सत्र में सुचितापूर्वक पढ़ाई और परीक्षा को सम्पन्न कराया जा सके। मैम, आज बेसिकली हम लोगों ने, जैसा कि आपका दिशा निर्देश था, कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में जो एकेडमिक कैलेंडर बनाया गया है उसको हमने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इसको दिन में ही प्रसारित कर दिया था। तो आप सभी लोग अवगत हैं, उसको पढ़ लिए होंगे और सारे सुझाव आप लोगों के मन में होंगे। और फिर हम लोगों ने एक कोविड की सूचना सर मांग रखी है, उसका कंपेरिजन हम लोग करेंगे। एयरपोर्ट केसेज के तथ्य पर पत्रों का कंपेरिजन करेंगे। और एक हम लोग जो विद्यालय के ट्रांसफर हैं उसके संबंध में हम चर्चा की जाएगी। तो पहले दिन नमस्कार सर, मैं प्रचंड हूँ और सभी डीआर से हैं, मथुरा से GIC प्रिंसिपल है सर। डीआर अच्छा, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि सारे जितने डीआर साहब लोगों ने इसको अध्ययन कर लिया होगा, इसके बारे में माइंड मेकअप किया होगा किस विषय में। तो मैं उन लोगों से पूछा किया, मैं इसे सचिव साहब से अनुरोध करता हूँ कि आप इसमें जो आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्टर साहब ने प्रसारित किया है, तो पहला पेज इसमें पूरा समरी है पूरे साल भर के कार्यक्रमों की, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ किए जाने के लिए 20 मई और हर माह 2 विकल्पीय प्रश्नों पर आधारित मासिक परीक्षा होनी थी प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में। ये मासिक परीक्षा का आयोजन के बारे में था और इसके प्राप्तांकों को माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर। इसके बाद 3 तरीके के आंतरिक मूल्यांकन की बात कही गई है। प्रथम द्वितीय तृतीय आंतरिक मूल्यांकन की बात कही गई है। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन अगस्त के अंतिम सप्ताह में और दूसरा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में अपलोड करना है। तीसरा जो है जनवरी में आपके मूल्यांकन करके जनवरी के अंतिम सप्ताह में बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड किया जा सकता है। तो ये 3 तरीके के आंतरिक मूल्यांकन है। इसके बाद त्रैमासिक परीक्षा का है सितंबर के द्वितीय एवं चतुर्थ सप्ताह में आयोजित किया जाना और इसके अंकों को अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह तक अपलोड किया जाना। इसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा का दिसंबर के द्वितीय और तृतीय सप्ताह में आयोजन किया जाना तथा अंकों को जनवरी के प्रथम सप्ताह तक विभागीय बोर्ड की है उसमें अपलोड किया। ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण काल है, ये कक्षा 10-12 के लिए 15 जनवरी तक पूर्ण किया जाना है और 9-11 के लिए 21 जनवरी तक। इसके बाद प्रयोगात्मक परीक्षाओं के आयोजन के बारे में निर्धारण किया गया है कि साइंस, आर्ट, एग्रीकल्चर और व्यवसाय पर का कक्षा 11-12 की प्रयोगात्मक परीक्षाएं प्रथम चरण में 1 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य तथा द्वितीय चरण 14 जनवरी से 21 जनवरी के मध्य आयोजित की जाएगी। फिर प्री बोर्ड परीक्षा के आयोजन के बारे में है कि फरवरी के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और फरवरी के चतुर्थ सप्ताह तक प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षा फरवरी के द्वितीय एवं चतुर्थ सप्ताह में आयोजित की जाएगी और इसके अंकों को मार्च के द्वितीय सप्ताह तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
इसके बाद कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा आयोजन के बारे में आज प्रथम वित्तीय सप्ताह निर्धारित किया गया है और अगला शैक्षिक सत्र अप्रैल 22 में प्रारंभ किए जाने के बारे में ये समरी के रूप में तो इसपे ये जो सबसे पहला वाला है कि ये पढ़ाई कब तक होगी और एग्जाम्स कब तक होंगे, क्योंकि इससे लार्जली आपका डिसाइड होता है कि किस तरीके से आपका शेड्यूल चलेगा। तो इसमें आज विवेकांत अनफॉर्चुनेटली नहीं है हम लोग के साथ क्योंकि वो बोर्ड रिजल्ट की तैयारी में है। मेरा पहला प्रश्न डायरेक्टर साहब इसमें ये था कि आपने ये कहा कि हम जो ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण कार्य पूर्ण करेंगे तो हम कक्षा 10 और 12 के लिए 15 जनवरी तक करेंगे और कक्षा 9 और 11 के लिए 31 जनवरी। अब बीच में देखिए, बीच में लिखा हुआ है इसमें शिवलाल यहाँ पे होंगे, शिवलाल से ये रिक्वेस्ट है कि इसको क्रमांकित करें जैसे हम लोग क्रमांक ढूंढ सके, तो एक क्रमांकित करिए कि इसमें क्रमांकित नहीं है तो ढूंढना ही मुश्किल है कि किस चीज के बारे में बात कर रहा है। उसके जस्ट नीचे हम लोग ने लिखा है कि प्रयोगात्मक परीक्षा करेंगे हम प्रथम चरण 1 से 15 जनवरी, द्वितीय चरण करेंगे हम 6 से 31 जनवरी। तो ये 16 से 31, तो ये पढ़ाई कब खत्म करेंगे और परीक्षा कब करेंगे कुछ इसमें थोड़ा सा क्लैश टाइप का नहीं लग रहा है? मतलब 31 15 जनवरी को हम खत्म करेंगे उसके पहले हम प्रयोगात्मक परीक्षा शुरू कर देंगे। आप कह रहे ना 10 और 12 को 15 जनवरी तक पढ़ाई खत्म कर देंगे और आप प्रयोगात्मक परीक्षा प्रथम चरण 1 से 15 जनवरी कर देंगे, समझ में आ रहा है ना? तो ये थोड़ा सा क्लैश कर रहा है। आपको पूरी पढ़ाई खत्म करने के बाद ही आप परीक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। तो नंबर वन तो मेरे हिसाब से ये आपको मेरा ये सुझाव है कि इसको आप ठीक करें, वन पॉइंट आउट है। नंबर टू पॉइंट जो मेरा है वो ये है कि आपने लिखा है कि ये आप प्रथम आंतरिक मूल्यांकन अगस्त में करेंगे और इसको आप अपलोड अगस्त के अंतिम सप्ताह में करेंगे, परंतु आप ये त्रैमासिक परीक्षा जो है वो सितंबर के तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में करेंगे। तो ये आंतरिक मूल्यांकन ये जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है उसका पार्ट है, आई प्रिज्यूम, राइट डायरेक्टर साहब? तो अगर आप अगस्त में आंतरिक मूल्यांकन करेंगे और परीक्षा आप सितंबर में कर रहे हैं तो आपका कोर्स तो अगस्त तक पूरा हो नहीं सकता। तो आप जब सितंबर में करेंगे परीक्षा त्रैमासिक तभी तो आंतरिक मूल्यांकन करेंगे, तो दे हैव टू बी गो टुगेदर। ये कुछ अभी इसका वो लग रहा है कि ठीक से इसको बैठाया नहीं गया है, पर नहीं खत्म हो जाता है तो प्रोजेक्ट कार्य को करेक्ट करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये कौन से पॉइंट पे कहने बताइए, कहां पे लिखा है?